गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? बच्चा लोग ठीक हैं आप सब अपने घर पे? ओके. कल मॉर्निंग में मैंने आपको मैसेज किया था कि हम एक नया चैप्टर शुरू करें या ना करें. तो मैक्सिमम बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया, कुछ एक बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया. उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने एग्री हो गए थे, बट कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है. आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट अब एक बार मेरा विजन, मेरा पॉइंट समझ कर देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं क्यों टॉपिक नया शुरू करना चाहता हूँ, एंड हम कैसी क्या कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे, हम उनसे के बारे में एक बार आपसे बातें कर लेते हैं. आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था बेटा जी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. आपको पता वो चैप्टर हमने किस तरह से पूरा किया है, कितना कुछ था उसमें पढ़ने के लिए. एंड हमने दिन के दो दो वीडियो आपको भेजे हैं और वो भी लेंथ बड़ी बड़ी रखी, तब जाके सिलेबस पूरा हुआ है हमारा. संडे को हमने अपने टेस्ट रखे हैं. अगर हम वर्किंग डेज में अपने टेस्ट रखे, अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कैसे टेस्ट रखते हैं यहाँ पे, तो सिलेबस कभी नहीं हो पाता. एक बात समझ के देखिएगा, अगर ये लॉकडाउन ना होता और अगर हम स्कूल में होते, तो डू यू थिंक हमारा एक पीरियड आता है एक घंटे का, उस एक घंटे में क्या पॉसिबिलिटीज थी ये टॉपिक पूरा हो जाता? ट्रस्ट मी, नहीं हो पाता ये सिलेबस पूरा. अब जून में मेनली छुट्टियां होती है, बट अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हम यहाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो जून में भी हम पढ़ रहे हैं. यहाँ पे जरा सोच के देखेगा एक बार मेरे पॉइंट को, अगर हम अभी अपना टॉपिक शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, हम उसे जून में कवर करते हैं कुछ हद तक, फिर हम उसे जुलाई में अपना स्कूल ओपन होगा तब उसे कवर पढ़ेंगे आगे. अब जब स्कूल ओपन होंगे तो पता नहीं किस तरीके से ओपन होंगे, मे बी ऑड एंड इवन चलेगा, मे बी मॉर्निंग और इवनिंग के शिफ्ट चलेंगे वहां पे, यानी कि इस क्लास की स्ट्रेंथ टूटने वाली है, मतलब हाफ हाफ बच्चे पढ़ने वाले हैं क्लास के अंदर. तो डेफिनेटली जितना हम अब आपको पढ़ा पा रहे इतना हम उस टाइम पर नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमारी स्पीड उस टाइम पर स्लो डाउन होगी. अगर हम अभी से थोड़ा सा एडवांटेज उठा लें और हम सिलेबस को पहले थोड़ा कवर अप कर लेंगे, तो आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी. एंड सेकेंड थिंग, सोच के देखो, रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म के बाद में हमारे पास एक मेन चैप्टर बच जाएगा, वो बचेगा जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाला बेटा जी. उसके बाद दो छोटे छोटे चैप्टर जो कि हमारे नाक के बराबर होते हैं, मतलब हमारा जुलाई में 10th क्लास खत्म हो सकता है. अगर हम जून में इस चैप्टर को शुरू कर दें तो जुलाई और मिड अगस्त में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा. सोचो एक बार, नवंबर में जाके एग्जाम होना है, अगर अकॉर्डिंग टू जैसा ओल्ड सिस्टम था उसी के अकॉर्डिंग चला, कुछ नया चेंज नहीं होता है, तो हमारा नवंबर के फर्स्ट संडे को बेटा जी एग्जाम होना है एनटीएससी का. इट मींस हमारे पास एटलीस्ट 2.5 months रिवीजन के लिए बचेंगे. एंड एक बायो के लिए जिसमें लिमिटेड चैप्टर्स हैं, उनके लिए अगर आपको 2.5 months बेटा जी रिवीजन के लिए लास्ट में बच जाता है, तो आई थिंक आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के तैयार हो जाएंगे. तो इन छुट्टियों का यूज कीजिएगा. एंड अब आपका 21 जून को बेटा जी टेस्ट है, आप घर पे हो 24 आवर्स बेटा जी, आप एक पूरे एक्टिव मोड में हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, उसी एक्टिव मोड को कंटिन्यू रखो बेटा जी यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम आगे का पढ़ सकते हैं यहाँ पे. अगर हम इस टाइम पे वेस्ट करेंगे ना टाइम को अपना बेटा जी, तो मुझे लगता है इसको फिर हमें आगे बड़ा फेस करना पड़ेगा. जैसा आप लोगों ने कहा मैं आपके अकॉर्डिंग चलता हूँ. प्रियांशु ने मुझे बहुत अच्छा एक आइडिया दिया और मैं उस आइडिया को फॉलो करता हूँ, या मैं उसके साथ टोटली एग्री करता हूँ. प्रियांशु ने मुझे जो कहा मैं उस चीज़ के बारे में बातें करता हूँ आपके साथ में, कि हम स्टार्टिंग डेज में अपना आगे का चैप्टर शुरू करते हैं और जब लास्ट डेज आएंगे हमारे, जब अपना टेस्ट पास आएगा, उस टाइम पर हम अपना रिविजन शुरू कर देंगे. एंड हबीबी आप, मैं अपने वीडियो की लेंथ छोटी रखूंगा और डेली बस एक ही वीडियो आपको भेजूंगा, ताकि हमारा सिलेबस भी चलता रहे और आप रिविजन भी करते रहो. अब जरा हम कैलकुलेशन करके देखें, अगर आपके साथ हैं तो हम बातें कुछ ऐसी करते हैं. आज बेटा जी 5th जून है, मैं आपको बेटा जी 15th जून तक लगातार इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा. आपका टेस्ट है बेटा जी 21 जून को, यानी कि 15 जून के बाद, यानी 16 जून से लेकर 21 जून के बीच में मैं आपको कोई नया वीडियो नहीं भेजूंगा. मतलब मैं ये टॉपिक जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा. ये जो पूरा डेज होंगे बेटा जी, ये आपके पास में रिविजन के डेज होंगे, और इन डेज में बेटा जी हम आपके लिए टेस्ट रखेंगे, ताकि उसी टेस्ट की वजह से आप लोगों का प्रॉपरली रिविजन भी हो सके. मेरे पॉइंट को समझ के देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा जी. यहां पे हम 5th से लेके 15th तक अपना ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, जो हम शुरू करने वाले हैं, और 15th के बाद में ये चैप्टर पढ़ाना आपको बंद कर दूंगा, और फिर बेटा जी हम 21st तक
हम आपको कोई वीडियो नहीं भेजेंगे बेटा जी, कुछ आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, उस दौरान मैं आपकी टेस्ट कंडक्ट करता हूँ ताकि उसी बहाने आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाए यहाँ पे और आपको एक बार दोबारा से गो थ्रू हो जाओगे। हाँ भी आप डेली रिवाइज कीजिएगा, डाउट आते हैं तो पुट कीजिएगा बेटा जी यहाँ पे, और ये डेज तो फ्रीली आपके पास होंगे फॉर द फुल रिविजन के लिए बेटा जी। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे। मनीषा नमन, कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर नहीं आगे का मत पढ़ाओ हमें, टाइम चाहिए पीछे का। तो बेटा जी टाइम मिलेगा, बट सोच के देखो गुड़िया, अभी आप लोग रिवाइज कर लो, बट ये सिलेबस अगर एनटीएससी से पहले अगर अच्छे से प्रॉपरली कवर नहीं हुआ तो हमें बाद में रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। और मैं सच्ची बता रहा हूं आपको गुड़िया, अगर हम इसी तरीके से जून का यूज कर लेंगे तो हमारा मैक्स टू मैक्स अगस्त के मिड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब हमारे पास सेप्टेंबर पूरा है, अक्टूबर पूरा और अगस्त भी आधा बचेगा, मतलब ढाई महीने। सोचो गुड़िया क्या नहीं रिवाइज कर सकते हम। 9th 10th डेली के जब तक हमारा लॉकडाउन खत्म हो चुका होगा, हम अपने स्कूल में प्रॉपरली होंगे, डेली का एक पीरियड आएगा बेटा क्लास में। सोच के देखो डेली एक घंटे में कितने डाउट्स होंगे, कितना कुछ होगा यहाँ पे, कितने टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, सब कुछ तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। 2.5 months कम नहीं होते हैं फॉर द रिविजन ऑफ जस्ट 9th and 10th क्लास ओनली फॉर द बायो। भाई मेरा पीरियड तो आएगा ही आएगा ना, उसमें तो रिवाइज हम करेंगे करेंगे, अपना होमवर्क तो चलेगा ही चलेगा। तो मुझे लगता है अगर आप इस प्लान को मेरे को समझोगे यहाँ पे तो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ जून आपका छुट्टी का होता है, बट इस जून को आप थोड़ा यूज कीजिएगा, वैसे भी आपका एनटीएससी क्रैक करना है तो इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा एंड आप कर सकते हो। आपने लास्ट चैप्टर जिस रफ्तार से पढ़ा था और आपने एक अच्छा रिजल्ट दिया है, थोड़े से मुझे फुल आउट ऑफ फुल की उम्मीद ज्यादा थी बट हाँ थोड़े कम रहे। एंड एक क्वेश्चन ऐसा था जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे टॉपिक से नहीं आया, बट बाकी तो आई थिंक सारे के सारे आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे क्वेश्चन, जो मेरे लेक्चर्स में या मेरे टेस्ट में कवर अप हो रहे थे आपके। बट चलेगा हम वो सब बातें नहीं करते हैं, तो हम आज का अपने टॉपिक शुरू करते हैं। और आई होप मैं जो बात समझा रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी, मेरा क्या पॉइंट है, मैं क्यों ये शुरू करना चाह रहा हूं यहां पे, क्योंकि मुझे लगता है कि फिलहाल रिवीजन के चक्कर में पड़ गए हम यहाँ पे। या मतलब मैं सोचो मेरे पास तो काम ही नहीं है, आप लोग कहोगे सर ये टॉपिक पढ़ाना तो वही टॉपिक पढ़ाना है, वो रिवीजन लूंगा गुड़िया, तो मतलब मेरे पास तो 21 जून तक कोई काम नहीं है, मेरे तो डेफिनेटली हॉलीडे शुरू हो जाएंगे। बट मैं नहीं चाहता ना मैं घर पे खाली बैठूं गुड़िया, मैं तो चाहता हूं कि मैं भी काम करूं और आप लोग भी घर पे मेहनत कीजिएगा ताकि हमारा मिलके एक अच्छा रिजल्ट आ सके बेटा। चलेगा शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम बेटा जी यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, अपना नेक्स्ट चैप्टर 10th क्लास का हम शुरू करते हैं। कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन, क्या होता है ये रिप्रोडक्शन, तो क्या कहेंगे आप लोग? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन इज नोन एज रिप्रोडक्शन, और द प्रोसेस बाय विच ए ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द न्यू वन, जिस प्रोसेस से न्यू वन को हम पैदा करते हो प्रोसेस क्या है बेटा जी यहां पे, रिप्रोडक्शन है। बट क्या ये डेफिनेशन सही है, क्या ये अधूरी नहीं लगती आपको डेफिनेशन बेटा जी? कैसे अधूरी है? एक एलिफेंट के जब बच्चा पैदा होता है तो एलिफेंट के जैसा है, एक हॉर्स के जब बच्चा पैदा होता है तो हॉर्स के जैसा, एक ह्यूमन के जब बच्चा पैदा होता है तो ह्यूमन के जैसा है। तो डेफिनेशन को थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं और हम एक लाइन बोलेंगे यहां पे, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन दैट इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। क्या बोला मैंने यहां पे, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन दैट इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा जी यहां पे आपका रिप्रोडक्शन। तो आई थिंक आप डेफिनेशन लिख लेंगे यहां पे, तो लिखिएगा बेटा जी यहां पे, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन दैट इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। चलेगा ये हो गया डेफिनेशन। अब कोई आपसे पूछे एक रिप्रोडक्शन एसेंशियल है, क्या यह जरूरी है होना, और अगर जरूरी है तो किसके लिए जरूरी है, फॉर ए इंडिविजुअल और फॉर ए स्पीसीज? मैं दोबारा अपने पॉइंट को दोहराता हूं, मैंने कहा क्या ये रिप्रोडक्शन जरूरी प्रोसेस है, क्या ये एसेंशियल प्रोसेस है? इफ यस और नो आपको आंसर देना, और इफ यस अगर आपका आंसर है बेटा तो मैं कहूंगा इफ यस देन फॉर होम, किसके लिए जरूरी है, फॉर ए इंडिविजुअल और फॉर ए स्पीसीज, किसके लिए जरूरी है ये प्रोसेस? मैंने क्वेश्चन पूछा है बेटा जी, रिप्रोडक्शन एसेंशियल है, पहला पॉइंट। पहला क्वेश्चन मार्क, क्या ये एसेंशियल है? आपने कहा यस एसेंशियल है,
तो मैंने पूछा फॉर होम, फॉर ए इंडिविजुअल और फॉर ए स्पीसीज, किसके लिए जरूरी है ये और क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर होगा बेटा जी, इट इज असेंशियल फॉर ए स्पीसीज नॉट फॉर ए इंडिविजुअल। पॉइंट क्या है इस बात का, मैं कहूंगा आपने डेफिनेशन में बोला इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वन दैट इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक स्पीसीज अपने नंबर को मेंटेन रखती है, यानी कि हम ह्यूमन होमोसेपियन हमारी स्पीसीज का नाम है। सोचिएगा अगर हमने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो क्या होगा, होमोसेपियन स्पीसीज दुनिया से लॉस हो जाएगी अगर हमने अपने न्यूरॉन्स को पैदा करना बंद कर दिया तो। तो इसका मतलब ये असेंशियल है, तो आपका आंसर होगा यस इट इज असेंशियल, बट किसके लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्पीसीज और फॉर ए सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज को अगर अपने आप को सर्वाइव करना, अपने नंबर को मेंटेन करना है, फॉर दिस इट इज वेरी असेंशियल। फिर मैंने कहा इंडिविजुअल के लिए नहीं, इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का यह मतलब है अगर मैं अपनी बात करूं, मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं बच्चे पैदा नहीं कर रहा, तो इट्स ओके, मैं खत्म हो जाऊंगा, एक इंसान से फर्क नहीं पड़ता है यहां पर, सिंगल इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर सब इंडिविजुअल्स ने बंद कर दिया तो फर्क पड़ेगा। और आप एक बात बोलते हो ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस द न्यू वन इज नोन एज स्पीसीज। ये इंडिविजुअल ही तो मिलके क्या बनाते हैं बेटा जी, यहां पे आपकी स्पीसीज को बनाते हैं। तो मैं कहूंगा यस अगर पूरे ग्रुप ने बंद कर दिया तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बट अगर एक या दो इंडिविजुअल ने बंद कर दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज वेरी असेंशियल फॉर द स्पीसीज टू मेंटेन इट्स सर्वाइवल ऑन द अर्थ, टू मेंटेन इट्स सर्वाइवल ऑन द अर्थ। तो लिखेगा बेटा जी रिप्रोडक्शन इज असेंशियल टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज और टू मेंटेन द नंबर, टू मेंटेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, टू मेंटेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज इट इज वेरी असेंशियल। ये बातें हो गई। अब पॉइंट आता है सर रिप्रोडक्शन के दौरान क्या कुछ असेंशियल है, क्या किसी चीज का होना बहुत जरूरी है? तो हम अगर एक सेल के भ्या पे बात करके देखें, मैं अगर एक सेल के भ्या पे बात करके देखूं तो सोच के देखो बेटा जी, ये एक सेल है, इस सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स, और सबसे बड़े सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं यहां पे, सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है उसका नाम होता है बेटा जी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा जी यहां पे जेनेटिक मटेरियल जिसे हम बोलते हैं डीएनए। तो आपके एनसीईआरटी बुक एक लाइन बोलती है, क्वेश्चन बोलती है व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज असेंशियल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों असेंशियल है। तो पहला पॉइंट तो ये आता है सर डीएनए रेप्लिकेशन वर्ड का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा बेटा जी रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक इट्स कॉपी, मतलब डीएनए अपनी फोटोकॉपी करेगा, अपना जैसे एक आइडेंटिकल बनाएगा, वो प्रोसेस जो है बेटा जी वो क्या है यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, सर रिप्रोडक्शन का रेप्लिकेशन से क्या लिंक है? तो मैं कहूंगा लिंक है बेटा जी, सोच के देखो, हम यहां पे बात करके देखते हैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, किसकी बात करते हैं बेटा जी यहां पे, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहां पे, सोच के देखिएगा ये एक अमीबा है और ये सर उसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर उसका बैठा हुआ डीएनए। अब सर ये अमीबा यहां पे टूटेगा और दो अमीबा बन जाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है बेटा जी, यहां तक आपने सही समझा बात को, ये दो अमीबा बन गए, बट इसके पास ये डीएनए था जिसके पास इंफॉर्मेशन थी, इसकी सेलुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने की इंफॉर्मेशन थी। अब सोचो अगर ये डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट नहीं किया, अगर इस डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट नहीं किया तो भाई ये जो दो नए अमीबा बनेंगे उनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या होगा, क्या वो दोनों में इक्वली जा पाएगी? भाई इसके पास जो है वो तो हाफ हाफ हो जाएगी या तो यहां पे, फिर ये आगे टूटेगा तो फिर वो ऐसे, तो भैया जी जेनेटिक मटेरियल अगर खत्म हो जाएगा यहां पे आपका तो फिर क्या होगा, क्या वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, क्या वो सेल अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएगी? तो आपका आंसर क्या होगा, नो वो नहीं कर पाएगी। तो इसका क्या मतलब है, अब सोचो
अगर सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे कि ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डीएनए का सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है, तो डेफिनेटली आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सर सपोज करके चलते हैं ये डीएनए जो है ये रेप्लिकेट कर गया, तो मैं कहूंगा इसका मतलब ये डीएनए आफ्टर द रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा बेटा जी, यहां पे डबल हो जाएगा। भाई उसने अपनी कॉपी बना ली, और कॉपी अगर बना ली तो सोचो वो कैसा हो जाएगा, यहां पे डबल हो जाएगा। चलो मैं कुछ डाटा लेके चलता हूं, सपोज कीजिएगा शुरुआत में डीएनए था उसके पास में 2C, शुरुआत में डीएनए कितना था उसके पास में 2C था, अब डीएनए ने कर ली अपने आप को रेप्लीकेट, तो वो कितना हो गया 4C। भाई ये अपनी कॉपी करेगा, अपने आप को डबल करेगा, अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, तो 2C नया बन जाएगा, कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा, और 4C होने के बाद में ये अमीबा अपने आप को डिवाइड कर लेगा, तो क्या होगा बेटा जी यहां पे आप कहोगे सर वापिस से ये 2C में डिवाइड हो गया। इट मींस अगर हम चाहते हैं जेनेटिक मेटेरियल जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रहे और ये हर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हमें इससे पहले कि ऑर्गेनिज्म न्यूरॉन्स को पैदा करे वो अपने आप को डिवाइड करे बेटा जी यहां पे, हमें उससे पहले जरूरी है यहां पे क्या बेटा डीएनए रेप्लिकेशन का होना। तो इसका आंसर कैसे बनाओगे अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्या कहोगे व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज एसेंशियल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, तो क्या बनाओगे आंसर, तो आपका आंसर ऐसा कुछ बनना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक इट्स कॉपी एंड इट इज वेरी एसेंशियल बिकॉज एज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन वी हैव टू पास द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द न्यू वन, सो टू मेक इट्स कॉपी वी पास वन कॉपी टू द न्यू वन। सोचो जरा यहां पर भाई ये अमीबा है, इसने अपना वाला तो इसको दे दिया, बट ये जो नया पैदा हुआ है भाई यहां पर एक था, यहां पर दो हो गए, मतलब एक नया पैदा हो गया, इसका डीएनए एज इट इज यहां चला गया, बट अगर इसने कॉपी ना बनाई होती तो क्या इसके पास कुछ आता, तो मैं ये कहता ताकि वो न्यू वन को दे सके जेनेटिक मेटेरियल अपना, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे सके अपने यहां पे, तो उसके लिए उसका रेप्लिकेट होना क्या बहुत ही यहां पे जरूरी है। आंसर बना यहां पे, टॉपिक समझ में आया आपको मैंने क्या समझाया यहां पे। चलिए अब अगले क्या बात शुरू करते हैं इसके बारे में, दुनिया में अगर रिप्रोडक्शन है तो कितने प्रकार का है, दुनिया में अगर रिप्रोडक्शन है तो कितने प्रकार का है और किस बेसिस पे हमने उसको यहां पे डिफरेंशिएट किया है, तो मैं कहूंगा बेटा जी हमने रिप्रोडक्शन को डिफरेंशिएट किया है अलग अलग कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड विद द रिप्रोडक्शन, कि भाई न्यू वन को पैदा करने में कितने पेरेंट्स और इंडिविजुअल इन्वॉल्व हुए हैं उसके भाव पे हमने उसको कैटेगराइज किया। याद रखते हैं मैंने पॉइंट बोला ऑन द नंबर ऑफ द पेरेंट्स इन्वॉल्व, अकेला पेरेंट है या दो पेरेंट्स हैं उसके भाव पे हमने उसका क्या किया बेटा जी यहां पे डिवाइड किया। तो मैंने लिखा बेटा जी यहां पे हम डिफरेंस को समझते हैं, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, एक नाम होता है बेटा जी एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन और एक का नाम होता है बेटा यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम दो टाइप की बातें करते हैं। नाउ द पॉइंट अराइज सर ये किस भाव पे है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने पॉइंट आपको बोला हमने इनको अलग अलग कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द पेरेंट्स इन्वॉल्व के कितने पेरेंट्स वहां पे यूज होते, तो हम सबसे पहले वही पॉइंट बनाते हैं बेटा जी एसेक्सुअल के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, तो इसके अंदर क्या कहोगे टू पेरेंट इन्वॉल्व, ये तो है पहला पॉइंट, इसमें एक है उसमें दो पेरेंट्स है और क्या डिफरेंस है। बातें करते टाइप ऑफ द सेल्स कैसी इन्वॉल्व होती है, तो हम यह कहते हैं यहां पे जो सेल इन्वॉल्व होती है वो होती है सोमेटिक सेल, अभी सोमेटिक सेल क्या होती है, एक्चुअली हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती है, एक सेल का नाम होता है सोमेटिक सेल, एक का नाम होता है जर्म सेल, हमारे जो गैमेट होते हैं दे आर द जर्म सेल, मतलब मेल के अंदर स्पर्म
और फीमेल के अंदर ओम, ये दो ही सेल हैं जो जर्म सेल कहलाती हैं। उसके अलावा बॉडी में जो भी सेल है वो सेल कैसी है, सोमेटिक सेल है, मतलब जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनी होती है वो सेल्स कौन सी है, सोमेटिक सेल है। और जो सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होती है यानी कि गैमेट की जो हम बातें करती है वो क्या है बेटा जी, यहां पर जर्म सेल है। तो मैंने कहा बेटा जी इसके केस में जर्म सेल इन्वॉल्व, इसमें जर्म सेल्स का क्या होगा यहां पे, इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके अगला पॉइंट आता है, क्या एसेक्सुअल में गैमेट बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो आपने 8th क्लास में 7th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा हल्का सा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा इन द केस ऑफ द एसेक्सुअल देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। बट कोई नहीं, अब आप एनटीएससी के लिए पढ़ रहे हो, थोड़ा सा अच्छी सी बात करते हैं। एसेक्सुअल में गैमेट बन भी सकते हैं और गैमेट नहीं भी बन सकती। अब पॉइंट आएगा काफी बच्चों के दिमाग में, सर गैमेट कैसे बनेंगे, तो मैं कहूंगा कहां बनेंगे वो स्पेसिफिक केस में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं वही पढ़ूंगा इसके बाद में यहां पे, तो समझना कहां बनेंगे यहां पे। बट पॉइंट को समझो, इस प्रोसेस में गैमेट बन भी सकती है और गैमेट नहीं भी। तो मैं कहूंगा बेटा जी गैमेट में और मे नॉट फॉर्म। बट अगर आप सेक्सुअल की बात करते हो तो डेफिनेटली कहोगे गैमेट फॉर्म, ऐसा कोई सेक्सुअल नहीं है जहां गैमेट ना बनते हो, यहां तो गैमेट बनेंगे ही बनेंगे। अगला पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन। अब पॉइंट आता है सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो मैं कहूंगा द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो गैमेट का फ्यूज होने वाला तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उसका नाम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और वो प्रोसेस यहां पे क्या है बेटा जी आपका, अब्सेंट होता है। तो मैं कहूंगा फर्टिलाइजेशन अब्सेंट। इसके केस में क्या कहूंगा बेटा जी, अब अगर गैमेट बनेंगे तो गैमेट फ्यूज भी करेंगे, तो मैं कहूंगा बेटा जी फर्टिलाइजेशन ओकर। अब एक पॉइंट को समझना, कुछ बच्चों के दिमाग में क्लिक हुआ होगा, सर यहां पे आपने कहा गैमेट मे और मे नॉट फॉर्म, अब अगर गैमेट बना है तो सर वो फ्यूज तो करेगा। मैं कहूंगा यही तो खेल है बेटा, गैमेट बन सकता है। बट हमेशा दो पॉइंट याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट यूज होता है, एंड सेकेंड थिंग फर्टिलाइजेशन टोटली क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये दो आपके मेन पॉइंट है सेक्सुअल को, इसके अंदर याद रखना बेटा जी दो पेरेंट यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन तो होता ही होता है। गैमेट बन सकते हैं पर गैमेट कभी फ्यूज नहीं करेंगे, वो प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में, कहां कहां है क्या क्या उसके एग्जांपल में पूरा आपको डिटेल में वहां समझाऊंगा बेटा जी, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट आता है बेटा जी, सर व्हाट अबाउट वेरिएशन, क्या बदलाव आएंगे। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि यहां पे वेरिएशन अब्सेंट है, बट ऐसा मैं नहीं कह सकता, वेरिएशन को अब्सेंट नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, अब चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, मैंने एक वर्ड आपको बोला रिप्रोडक्शन जब भी होगा डीएनए अपनी कॉपी जरूर बनाएगा, डीएनए अपने आप को रेप्लीकेट करेगा ही करेगा। अब जरा सोचो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन हम चाहते हैं हमारा डीएनए आगे पास ऑन हो, और हम वहां पे अगर डीएनए रेप्लिकेशन कर रही है हमारी सेल, और उस टाइम पे ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन अगर कोई एरर आ जाए, मतलब कॉपी बनते टाइम पे कुछ वहां पे चेंज हो जाए, आपने अगर वर्ड सुना हो म्यूटेशन, आपने बेटा वर्ड सुना हो म्यूटेशन, म्यूटेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, सडन इनहेरिटेबल चेंज विद इन द जेनेटिक मेटेरियल। अगर हमारे जेनेटिक मेटेरियल में बदलाव हो जाए किसी वजह से, तो वो बदलाव होना क्या कहलाता है बेटा, म्यूटेशन। ये किसी भी फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से हो सकता है, मतलब आजकल यूवी रेज, क्योंकि ओजोन के लेयर डे बाय डे क्या हो रही है, थिन होती जा रही है, यूवी रेज नीचे अगर आते हैं वो हमारी स्किन पे पड़ते तो दे मे कॉज म्यूटेशन, वो म्यूटेशन कॉज कर सकती है। तो मैं पॉइंट का समझा रहा हूं, उस पॉइंट को समझो यहां पे, कि अगर सोचिएगा यहां पे जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पर अगर एरर आ गया, तो उस अगले आने वाले स्पीसीज के अंदर जो डीएनए गया है, वो जो कॉपी गई उस कॉपी में क्या आ गया, चेंज। अगर चेंज आना ही तो क्या है बेटा जी यहां पे, वेरिएशन कहलाता है। तो हमने कहा बेटा जी आने का चांस है, बट है कैसा, बहुत ही
कम है एंड इट ओकर ओनली ड्यू टू द डीएनए रेप्लिकेशन एरर की वजह से ही आ सकता है, और कोई कारण यहां आने का नहीं है। जबकि यहां तो वेरिएशन आएगा ही आएगा, बिकॉज यहां पे जो सेल डिवीजन होता है उसका नाम होता है मियोसिस, और मियोसिस के अंदर होता है क्रॉसिंग ओवर, तो यहां तो वेरिएशन आता ही आता है। तो मैं लिखूंगा बेटा जी वेरिएशन पॉसिबल ओनली ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन एरर, वैसे नहीं आएगा। बट यहां हम क्या कहेंगे बेटा जी, वेरिएशन ओकर, यहां पे वेरिएशन आएंगे ही आएंगे। कितने पॉइंट हो गए आपके यहां पे, 5 पॉइंट हो गए। आगे और बातें करते हैं इनके बारे में, और पॉइंट को समझते हैं। सर क्या ये फेवर करता है इवोल्यूशन को? तो मैं कहूंगा जब वेरिएशन ही नहीं आ रहे यहां पे, या आ रहे हैं तो बहुत ही कम आ रहे हैं, और उसका आने का सिर्फ एक रीजन है डीएनए रेप्लिकेशन। अगर सोचो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे कोई एरर नहीं आया तो सर यहां पे वेरिएशन भी क्या है फिर आपकी, अब्सेंट। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी, यानी कि आने का सिर्फ एक कारण है, वो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन एरर। अगर वो नहीं हुआ, जिसके होने के चांस बहुत ही कम है, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आने के चांस बहुत ही कम, और अगर वो कम है तो मतलब वेरिएशन आने के चांस भी क्या है, बहुत ही कम। और अगर ये बहुत कम है तो इसका मतलब ये कभी इवोल्यूशन को फेवर नहीं करेगा। तो मैं लिखूंगा बेटा जी does not lead to evolution, ये बेटा जी ये evolution को लीड करता है, ये evolution को बेटा जी आगे फेवर करवाएगा। ओके, अगला पॉइंट आता है सर, what about type of cell division? तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक का नाम होता है माइटोसिस, एक का नाम होता है मियोसिस। थोड़ा सा आपको बता देता हूं बेटा जी, सपोज कीजिएगा ये कोई इंडिविजुअल है, मैं मान लेता हूं उसके पास में डीएनए है 2C, ठीक है। आपने कहा सर पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, चलो हम ऐसे लेके चलते हैं, समझते हैं बात को, अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। सर ऐसे हमारे पास में पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, हमारे पास ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोजोम, हम अपनी बात कर लेते हैं, हमारे पास में यहां पे ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोजोम, और ऐसे कितने पेयर है यहां पे, 23 पेयर है। हम हुमन की बात कर रहे हैं, कितने पेयर है बेटा जी यहां पर, 23 पेयर है, ठीक है। अब जरा सोचो, सबसे पहले होता है सर डीएनए रेप्लिकेशन, उस टाइम पे क्या होगा सर, ये दोनों क्रोमोसोम अपनी अपनी कॉपी बना लेंगे, हैं अभी भी कितने यहां पे, 23 पेयर ही है। बट कंसेंट्रेशन देखो, यहां पे कंसेंट्रेशन मान लेते हैं 2C थी, तो यहां कंसेंट्रेशन बढ़ के कितनी होगी, 4C हो गई। मतलब अब ये क्रोमोसोम दिखने में तो हमें एक दिख रहा है यहां पे, बट अब उसके एक क्रोमोसोम की एक नहीं, दो दो कॉपी है। देखो बेटा जी, यहां एक कॉपी है, एक कॉपी, यहां एक कॉपी, दो कॉपी, एक ही क्रोमोसोम कितनी कॉपी है यहां पे, दो कॉपी है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़े, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़े, बट उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो गई यहां पे, बढ़ गई। अब आपने कहा सर सेल डिवीजन होता है, तो जरा सोचिएगा क्या होगा सर, ये दोनों कॉपी टूट जाएगी। तो मैं कहूंगा ये एक कॉपी इस साइड में आ गई और ये एक कॉपी इस साइड में आ गई, ठीक है सर, ये एक कॉपी इस साइड में आ गई और ये एक कॉपी इस साइड में आ गई। तो आपने कहा सर इस तरह से डिवीजन होता है, और हम ये कहते हैं इस तरह से वापस से यहां पे फिर दोबारा 23 पेयर आ गए, और यहां कितने आ गए बेटा जी, 23 पेयर आ गए। वापिस से यहां कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, 2C हो गई, यहां भी कितनी हो गई, 2C हो गई। तो सर ये जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है ये कहलाता है बेटा जी माइटोसिस। ये कहलाता है माइटोसिस, समझ के देखो मैंने क्या समझाया आपको।
23 पेयर था, मान लेते कंसेंट्रेशन थी 2C, से डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, इस क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बनाई, इस क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बनाई, ठीक है सर। उसके बाद क्या होता है, मैं कहूंगा डिवीजन होगा और ये दोनों कॉपी अलग अलग हो जाएगी, एक कॉपी इस साइड में जाएगी, एक कॉपी इस साइड में आएगी, ये एक कॉपी उस साइड में जाएगी, ये कॉपी इस साइड में आएगी, वापस से सर ये अलग अलग होगा, ये हो गया 23 पे 23 पेयर, तो इस तरह से एक सेल से कितनी सेल बन गई, यहां पे 2 सेल बन गई। और सर ये जो टाइप ऑफ डिवीजन है वो कैसा है, यहां पे आपका माइटोसिस है, ठीक बात है। अगले वर्ड में आते हैं, मियोसिस और समझा देता हूं मैं आपको, यहां पे ऐसे ही साइड में समझाते हैं क्योंकि उसमें बड़ा बनेगा। अब मियोसिस में क्या होता है, तो उसको हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि सर ये हमारा क्रोमोजोम है और वही सेम स्टेट लेते हैं कि ऐसे हमारे पास में 23 पेयर है, कंसंट्रेशन कितनी है यहां पे आपकी 2C है, सर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उस टाइम पे ये डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है और ये डीएनए बेटा जी अपनी कॉपी बना लेता है। तो आपने कहा सर इस कंडीशन में पेयर तो है 23 पेयर ही, बट कंसंट्रेशन कितनी हो गई यहां पे 4C की हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ सर, पहले होता है यहां पे मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस एक बार नहीं होता है बेटा, दो बार होता है मियोसिस फर्स्ट, और उसमें क्या होता है ये पेयर ऑफ क्रोमोजोम अलग अलग हो जाते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोजोम गेट सेपरेट, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, पेयर क्रोमोजोम गेट सेपरेटेड। तो क्या होगा, आप कहोगे सर ये एक पेयर इधर आ गया और सर ये एक पेयर दूसरी सेल में चला गया, इस तरह से सर अभी अलग अलग हो गए। अब मुझे आप बताओ अगर ये अलग अलग हो गए इसका क्या मतलब है, आप कहोगे सर इसका मतलब 23 क्रोमोजोम इधर आ गए और कंसंट्रेशन कितनी है 2C होगी। देखो देखो यहां 23 पेयर है और 4C है, शुरू में कितने 23 पेयर और 2C था, डीएनए जब रेप्लिकेशन हुआ तो मैं कहूंगा इन्होंने अपनी कॉपी बनाई, तो कंसंट्रेशन कैसी होगी, जस्ट आपकी डबल हो गई, वो कितनी होगी 4C होगी, बट पेयर कितना है 23 पेयर का 23 पेयर है बेटा जी। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो ये पेयर क्रोमोजोम अलग अलग हो जाता है, मैंने कहा ये पेयर इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो क्या हो गया, तो आपने कहा सर अगर ऐसा हुआ होगा इन दैट कंडीशन में अब इस सेल के पास में 23 क्रोमोजोम है और कंसंट्रेशन कितनी हो गई, आधी हो गई 4C की, 2C इधर आ गई, 2C इधर आ गई, हाँ कि ना। तो आपने कहा सर यस ऐसा हो गया, यहां 23 क्रोमोजोम और कंसंट्रेशन कितनी यहां पे 2C है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे होगा मियोसिस सेकंड, और अब ये कॉपी भी अलग अलग हो जाएंगी, कंसंट्रेशन बताओ बेटा जी यहां क्रोमोजोम कितने हैं 23 है, कंसंट्रेशन कितनी होगी C होगी, क्योंकि इसका भी तो क्या हो गया आधा हो गया 23C, इस तरह की सेल बन गई बेटा यहां पे। अब यानी कि पॉइंट को समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ड्यूरिंग द माइटोसिस जो रिजल्टेंट सेल होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि पेरेंट की सेल है, मतलब डीएनए और जेनेटिक मेटल रिमेन सेम। तो मैं कहूंगा ये जो डिवीजन है ये कहलाता है इक्वल डिवीजन, या मैं कहूंगा इक्विशनल डिवीजन। बट इस टाइम पे देखो शुरुआत में सेल के पास थे 23 पेयर, यानी कि क्रोमोजोम थे बेटा जी 46 पेयर, जोड़ा बोला बेटा मैंने, यहां कितने रह गए 23, तो मैं कहूंगा आधे हो गए, कंसंट्रेशन यहां पे थी बेटा जी 2C और यहां पे कितनी है बेटा C, वो कैसी होगी हाफ होगी। तो मैं कहूंगा मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन, मैं जो पॉइंट समझा रहा हूं वो समझो पहले, माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है और मियोसिस जो है बेटा जी वो आपका रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है चलेगा। अब इस पॉइंट को क्यों समझाया मैंने, उस पॉइंट की अहमियत को समझो यहां पर।
क्योंकि अब आप ही मुझे बताओगे कि सर यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे कैसा होगा। ये तो मैंने आपको बस टाइप ऑफ सेल डिवीजन हल्का सा आउटलाइन दी है कि यस ऐसे ऐसे दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, क्या माइटोसिस क्या मियोसिस, मैंने वो समझाया आपको यहाँ पे। अब जरा पॉइंट को समझो, यहाँ पे एसेक्सुअल के अंदर एक सिंगल पेरेंट यूज हो रहा है, मैंने मान लिया उसके पास में 46 क्रोमोसोम है, लेट अस सपोज करके चलो, और ये पेरेंट की सेल है। अब ये यहां पे न्यू वन को पैदा करेगी, सोचो जरा पॉइंट को, एक ही पेरेंट यूज होगा, और अगर इसने यहां पे मियोसिस कर लिया तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा बेटा जी, आधा हो जाएगा। उससे अगला जो बच्चा पैदा होगा फिर वो अगर आधा कर लेगा, फिर ऐसे क्या होगा, एक दिन तो डीएनए खत्म ही हो जाएगा। क्या जनरेशन आफ्टर जनरेशन डीएनए का नंबर कभी कांस्टेंट रह पाएगा? दोबारा पॉइंट को सुनना, मैंने क्या बोला, यहां 46 क्रोमोसोम है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पॉइंट को समझना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे सिंगल पेरेंट यूज होगा, सिंगल पेरेंट, कैसा सिंगल पेरेंट यूज होगा। अब अगर इसने मियोसिस कर लिया, मियोसिस कर लिया तो नंबर कैसा हो जाएगा, आधे हाफ हो जाएगा। तो क्या जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा। अब यहां समझ के देखो, यहां सर 46 है क्रोमोसोम, बट सर यहां तो दो पेरेंट यूज होते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, तो 46 का एक पेरेंट और भी है। सर इसने किया यहां मियोसिस, तो मैं कहूंगा मियोसिस अगर किया तो यहां नंबर हो गया 23। सर इसने भी किया मियोसिस, तो मैं कहूंगा इसने भी कितना किया बेटा जी यहां पे 23, तो मैं कहूंगा ये बन गए भाई उसके गैमीट, जिनमें नंबर कैसा हो गया, हाफ हो गया। और ये दोनों फ्यूज होते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो होता है ना, तो वापिस से नंबर कितना हो जाएगा बेटा जी, 46 हो जाएगा। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, और यहां पे रिप्रोडक्शन बेटा जी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, माइटोसिस होता है। गेटिंग माय पॉइंट? हां कि ना? तो मैं बोलूंगा बेटा जी, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस सेल डिवीजन टेक प्लेस, माइटोसिस सेल डिवीजन ऑकर। यहां पे क्या बोलोगे बेटा जी, मियोसिस सेल डिवीजन ऑकर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखना, Why meiosis occur during the sexual reproduction? तो क्या कहोगे, Because to maintain chromosome number generation After generation, सोचो जरा पॉइंट को दोबारा से, अगर यहां पे 46 है एक पेरेंट के पास में और यहां 46 है दूसरे पेरेंट के पास में, दो पेरेंट यूज होते हैं। अब अगर यहां माइटोसिस हो जाता तो आप ये कहते सर अगर माइटोसिस होता तो गैमिट जो बनता उसमें 46 होते और गैमिट जो होता उसमें 46 होते, और अगर ये दोनों गैमिट फ्यूज होते तो कितने हो जाते, 92 हो जाते, तो नंबर बढ़ जाता ना, हाँ कि ना? तो मैंने कहा ये नंबर ताकि मेंटेन रहे, ये नंबर ताकि मेंटेन रहे, इसलिए यहां पे क्या होता है बेटा जी, मियोसिस होता है, और ये प्रोसेस कभी नहीं होता यहां पे। तो आप कहोगे इसमें मियोसिस होता है, उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताए हैं एसेक्सुअल में और सेक्सुअल के अंदर बेटा जी। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आज सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन लिया है, मैं आगे टॉपिक को यही रोकूंगा, नहीं शुरू करूंगा, बस एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं। हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है बेटा जी, यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पढ़ना है बेटा जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है बेटा जी, ये सबसे पहले पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे बेटा जी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फिर हम पढ़ेंगे बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, यानी कि हम ह्यूमन की बात करेंगे,
एंड फिर हम पढ़ेंगे बेटा जी बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल के मेथड्स की बातें होंगी कि हाउ वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन साइज और ह्यूमन की ग्रोथ को कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं। हम उनकी मतलब चार टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ये तो सिर्फ आज इंट्रोडक्शन था, तो कल से हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और मैं जो पॉइंट आपको समझाया उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा।